हर दिन आपका ब्रेन न्यू सेल्स ग्रो करता है और न्यू न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करता है। आपके ब्रेन की ये एबिलिटी जिससे वो चेंज और ग्रो हो सकता है थ्रू आउट द लाइफ टाइम, उसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। तो जब आपका ब्रेन हर दिन न्यू और चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी मेमोरी भी एक्सटेंड हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप आपकी मेमोरी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। ह्यूमन ब्रेन को मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंटिटी नोन इन द वायरस कहते हैं। फॉलो अ प्रूवन मेमोरी डाइट। मेडिटेरियन डाइट को सबसे हेल्दीएस्ट डाइट माना जाता है। जो लोग मेडिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं वो लोग रैंक हाई करते हैं हेल्थ और लॉन्गेविटी में। यहाँ तक कि इन लोगों में सबसे लोएस्ट रेट्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज होता है। ये डाइट मेमोरी को बूस्ट करता है और एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन के रेट को स्लो करता है। पे अटेंशन। दो सबसे सिग्निफिकेंट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है क्लटर और मल्टीटास्किंग। क्लटर आपके ब्रेन की कॉन्सेंट्रेट और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एबिलिटी को स्लो करता है, जबकि मल्टीटास्किंग एक टास्क से फोकस को शिफ्ट करके दूसरे टास्क पे ध्यान देने से शॉर्ट टर्म मेमोरी को अफेक्ट करता है। यूज रिमाइंडर्स। आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, विजुअल क्यूज यूज कर सकते हैं और माइंड मैप भी क्रिएट कर सकते हैं। Use the mind palace. Mind palace memory technique को memory palace या method of Loki भी बुलाते हैं। ये आपके brain के visualization power को use करता है। अगर आप Sherlock Holmes के fan हो तो आप recall कर सकते हैं कि Holmes अपने brain attic में जाता था और reconstruct करता था events को। यूज चंकिंग। एक्ट ऑफ चंकिंग मतलब इन्फॉर्मेशन के पीसीज को ब्रेक करना स्मॉलर और ज्यादा मेमोरेबल बिट्स में। इसीलिए फोन नंबर्स, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और सिप कोड्स हमेशा ब्रोकन डाउन होते हैं स्मॉल ग्रुप्स में। यूज एक्रोस्टिक्स। पॉपुलर एक्रोस्टिक का एक एग्जांपल है प्लैनेट्स का ऑर्डर रिमेम्बर करने के लिए। मैरीज वायोलेट आईज मेड जॉन स्टे अप नाइट स्पिनिंग। ऐसे आप भी एक्रोस्टिक्स यूज कर सकते हैं रिमेम्बर करने के लिए। लूज वेट। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ओबेसिटी और मेमोरी लॉस के बीच में। ओवरवेट पीपल के पास थोड़ा कम ब्रेन टिश्यू होता है और रिसर्चर्स के हिसाब से उनके ब्रेन इयर्स ओल्डर होते हैं देन हेल्दी वेट पीपल के ब्रेन के कंपैरिजन से। स्पेंड क्वालिटी टाइम विद फ्रेंड्स। जिन लोगों के पास मोस्ट एक्टिव सोशल लाइफ है उनकी मेमोरी डिक्लाइन का रेट बहुत स्लो है, क्योंकि सिर्फ 10 मिनट्स के कन्वर्सेशन फ्रेंड के साथ मेजरेबल मेमोरी इम्प्रूवमेंट देता है। Get 8 hours of quality sleep. सबसे क्रिटिकल होता है आपके हेल्थ और मेंटल वेलबींग को स्टेबल होना, और सोते हुए आपका ब्रेन कंसोलिडेट करता है मेमोरी, टॉक्सिंस और मेटाबॉलिक डेब्रीज क्लीन करता है, रिपेयर और रीऑर्गेनाइज करता है और तो और न्यू ब्रेन सेल्स भी ग्रो करता है। मेडिटेट। मेडिटेशन को मेंटल एक्सरसाइज जैसे भी आप कह सकते हैं, पर आपके परपेचुअल थिंकिंग मशीन को रोकना थोड़ा हार्ड हो सकता है। UCLA लेबोरेटरी ऑफ न्यूरो इमेजिंग के रिसर्चर्स ने मेडिटेशन को पुशअप्स फॉर द ब्रेन कहा है। गेट फेमिलियर विथ न्यू लैंग्वेज। बहुत ही कम लोग न्यू लैंग्वेज लर्न करते हैं अपने ब्रेन मेमोरी को एनहेंस करने के लिए। एडल्ट एक लैंग्वेज से ज्यादा लैंग्वेज में बात करते हैं और उनके पास बेटर वर्किंग मेमोरी और मेमोराइजेशन स्किल्स होते हैं। Keep your brain hydrated. Water बहुत ही best brain tonic है। आपका brain 73% water से भरा है और सिर्फ 2% dehydration से आपकी memory diminish होती है, attention और cognitivity skills भी। तो अगर आप अच्छे student बनना चाहते हो या अपने job पर competitive edge maintain करना चाहते हो या mentally sharp रहना चाहते हो और अगर आपकी memory अच्छी रहेगी तो ये सब आप आसानी से पा सकते हो। तो इसीलिए ये सारे tips जरूर याद रखेगा और आपकी memory को improve कर ले। तो दोस्तों, अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।